नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत में जी रहे पेट्रोल हिपोक्रेट्स की। ये एक चलता फिरता मीम है। मतलब ये वो लोग हैं जो 2014 से पहले जनता की आवाज उठाते थे और 2014 के बाद सरकार की आवाज उठाने लगे। 2014 के बाद पेट्रोल और डीजल हिपोक्रेट्स हमारे देश में प्रचुर मात्रा में पाए जाने लगे। मुझे बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? पूरी ताकत से बताइए। ये वो लोग हैं जिन्होंने पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई पे दोगलेपन की सारी हदें पार कर दी, और वो भी खतरनाक बेशर्मी के साथ। तो वो लोग कौन हैं, पहले क्या बोलते थे और अब क्या बोलते हैं, कितनी बेशर्मी और दोगलेपन के साथ अपनी बातों को रखते हैं, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो मिलते हैं आपको वीडियो के एंड में। कि प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे। फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए? भैया, पेट्रोल जो है उसका जो बेसिक प्राइस होता है वो 35 रुपए के आसपास है। अब उसके ऊपर करीब 50% टैक्स है। ये तो पूरी स्टडी है मेरे पास में, कोई भी देख सकता है, इंटरनेट पर सब बच्चे पढ़े हुए हैं। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? मुझे अफसोस है कि देखो, तेल के डीजल के भाव इतने महंगे नहीं होने चाहिए, लेकिन हम मोदी जी भी क्या करें, उनको सरकार चलानी है। तो सबसे ज्यादा टैक्स डीजल पेट्रोल से ही आता है। तो कोई ऐसी उनको दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था सोच तो रहे हूँ। मैंने देखा कि आपके चेहरे में एकदम कॉन्फिडेंस था। दरों में वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई है। हम चैलेंज करते हैं सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है। ये रविशंकर प्रसाद बीजेपी नेता निकल पड़े हैं साइकिल से विरोध प्रदर्शन करने के लिए। एफडीआई महंगाई, यहाँ से कार्यालय तक, वहाँ से निकल करके हम लोग जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। और लोकतंत्र में प्रकाश जी, प्रतिरोध करना हमारा अधिकार है। तो जनता की पीड़ा को बढ़ेगा, मतलब सब्जी अनाज सबका जो आवागमन हो, महंगाई कंट्री की इकोनॉमी पर इस गवर्नमेंट की जो एक पकड़ होनी चाहिए, एक ग्रिप होनी चाहिए, वो पूरी तरह से समाप्त हो गई है। आज देश में आर्थिक आपातकाल की स्थिति बना दी है इस सरकार ने। बर्दाश्त करने की हद हो गई है। सब्र कर लो यार, अब रहम कर दो, ये मर जाएंगे यार मेरे देश के वासी। अब हमसे सहन ही नहीं हो रही है। क्या करें, ये 112 का पेट्रोल, 100 का डीजल, 1000 का सिलेंडर गैस, कुछ नहीं हो रहा। आप बर्दाश्त नहीं हो रही, तुम्हारे हाथ जोड़ लिया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? छोड़ो, जो तुमको क्या बोलना यार, शट। यही नहीं, अभी और सुनिए। उन्होंने देश में जिस प्रकार से दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। सर, हमारा सवाल है कि अर्थव्यवस्था की जो आपकी मैनेजमेंट रही है, उससे आप कितने संतुष्ट हैं? बहुत ही संतुष्ट हूँ। आप 2014 को देखिए, हेडलाइन बनती थी महंगाई। आज महंगाई की चर्चा ही नहीं है कुछ और चुनाव में। और आपने किसी कांग्रेसी नेता को पूछा ही नहीं कि भाई 2014 में महंगाई थी, अभी नहीं है, आपका क्या कहना है? एक बार भी नहीं पूछा। मौजूदा हुकूमत जब से आई है, एक्साइज टैक्स जो पेट्रोल और डीजल पर लगने वाला कर है, केंद्रीय कर, 820% बढ़ा है। बेस प्राइस आज भी भारत में 30 रुपए के ऊपर नहीं है, उसके बावजूद 90 रुपए पेट्रोल और 80 रुपए के ऊपर डीजल क्यों? आप कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन हैं कि न्यूट्रल मीडिया है? बिल्कुल न्यूट्रल मीडिया है। सवाल कांग्रेस को पूछना चाहिए, कांग्रेस को पूछना चाहिए। ये आप हैं, ये आपकी जेब है, और ये आपकी सिलेंडरी हो रही है। यानी जेब देखते ही सिलेंडर आपकी जेब से पैसे खींचने लगता है, इसी को सिलेंडरी कहते हैं। वैसे 1 दिसंबर से लेकर 1 मार्च के बीच एक सिलेंडर 225 रुपया महंगा हुआ है और रसोई गैस का सिलेंडर अब मात्र 850 रुपए के मामूली दाम पर मिल रहा है। फिर ये कांग्रेस का एजेंडा फिर आप लेकर के चल पड़े हो, आप उसी को आगे बढ़ा रहे हो, क्या सेवा कर रहे हो मुझे मालूम नहीं है। ये जनता की मांग पर पेट्रोल डीजल और गैस के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, लंबे समय से लोग इसकी मांग कर रहे थे, कहीं कोई कर रहा था। सरकार परेशान है, आप कैसे? देखिए सरकार ने किसानों की आमदनी दुगनी कर दी है, मजदूरों की 4 गुनी कर दी है, छोटे व्यापारियों की आमदनी में बेतहाशा वृद्धि होने के चलते लोग अपनी आमदनी संभाल नहीं पा रहे थे, इसलिए सरकार ने ये निर्णय किया है। और सरकार एक योजना भी लाने जा रही है, जेब हल्का करो योजना, ये भी इस देश में बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। अरे कहना क्या चाहते हो? भाजपा की सरकार सिर्फ सत्ता में परिवर्तन के लिए नहीं बल्कि आसोल परिवर्तन के लिए बनानी है। कमल खिलाना इसलिए जरूरी है ताकि वो आसोल परिवर्तन आ सके, आसोल परिवर्तन, और इसलिए यहाँ आसोल परिवर्तन लाना है, वो आसोल 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 परिवर्तन। ये क्या गालिब की गजल है मेरी? 3, 2, 1, let's go। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Seriously, what the fuck are you doing? 70 साल में एक ऐसी सरकार आई है जिससे लोग मांगने के बजाय अपन जान बचाओ, अपन सामान और रुपया पैसा बचाओ में लगे हैं कि वही बचा रहा है, बहुत है, दे कुछ ना, सरकार इतने रहम कर दे। इसलिए कहा गया है कि मुंह पे मास्क लगाओ, मुंह बंद रखो। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, फिर क्यों चले आते हैं हमारे खूबसूरत शहरों को की खूबसूरती पे बट्टा लगाने? अब मैं आशा करता हूँ कि इन पेट्रोल हिपोक्रेट्स के बारे में आपको अच्छे से पता चल गया होगा। वैसे तो ये पहले से ही दोगलेपन और बेशर्मी में अपना काफी नाम बना चुके हैं, लेकिन अब और अच्छे से आपके दिमाग में बैठ गए होंगे। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।